अपनी तरफ से कसक को ढूंढने की पूरी कोशिश करता हूँ। मैं अपने आप ही पुलिस स्टेशन चली जाऊँ और इस बात का पूरा इंतजाम करूंगी कि तुम भी मेरे साथ। तुम्हें तुम्हारा पति एक टांग पर लंगड़ाते हुए भी यहीं आ रहा है। अब तुम्हारी और मेरी दुश्मनी हमेशा हमेशा के लिए खत्म, क्योंकि जिस चीज के लिए मैंने इतना इंतजार किया पूरी उम्र, वो पेपर तब मुझे मिले गए। तो फिर दुश्मनी किस बात की, है ना? अब मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रही हूँ। चलती हूँ, टाटा बाय कावेरी। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। माने माने मुझसे जायदाद के पेपर्स ले लिए और कसक मुझे नहीं लौटाया। माँ के पास हमारी कसक नहीं, माँ ने सिर्फ इस बात का फायदा उठाया। माँ के पास हमारी कसक नहीं है। क्या उन्होंने खुद मुझे ये बात बताई? माँ के पास हमारी कसक नहीं है बल्लू। तो हमारी हमारी कसक को किडनैप करके किसे फायदा हो सकता? कौन है जिसने इसने कसक को किडनैप किया है? कावेरी कौन है? पल्लू, हमारी कसक को जिसने भी किडनैप किया, हमें उसे ढूंढना, हमें हमारी कसक को हर हाल में ढूंढना होगा। अब हमें मम्मी जी से भी लड़ना होगा। हम साथ में लड़ेंगे बलू। आप ऐसे एक पैर पे नहीं कर पाओगे बलू, नहीं कर पाओगे आप। मैंने कसम ली है कावेरी, जब तक कसम को अपनी गोद में नहीं ले लेता, मैं अपना ये पैर जमीन पर नहीं रखूंगा। तो तोड़ दीजिए अपनी कसम, तोड़ दीजिए अपनी कसम बलू। जिस बेटी के लिए आपने ये कसम ली थी, उसकी खातिर तोड़ दीजिए अपनी कसम, तोड़ दीजिए। तुम शायद ठीक कह रही हो कभी, हमारी बच्ची के लिए हमें ये कसम तोड़ देनी चाहिए, लेकिन तुमने भी तो कसम ली है ना। मेरी कसम तो आपकी कसम से जुड़ी, आपकी कसम हट जाएगी तो मेरी भी ये कसम हट जाएगी ना। हाँ कावेरी, हमारी बच्ची के लिए हम ये कसम तोड़ देते। हाँ क्या हुआ कावेरी, तुम रुक क्यों गई? हमने भगवान को नहीं दी, लेकिन ये कसम तो हमारी बच्ची की जिंदगी से जुड़ी। हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें अपनी कसम पूरी करनी हो। ठीक कह रही हो, भगवान शायद हमारी परीक्षा ले रहे हैं। चाहे जो भी हो, हम इस परीक्षा में फेल नहीं हो सकते।